दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो तो ये बहुत ही सही टाइम है लैपटॉप लेने का। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लैपटॉप बताने वाला हूँ जो स्टार्ट होंगे 15,000 रुपये से लेकर और 50,000 रुपये तक। लास्ट जो मैं सीरीज़ बताऊँगा 50,000 रुपये तक के भी लैपटॉप बताऊँगा। दोस्तों आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए और अगर आप i7 ले रहे हो तो वो आपके कोई काम का नहीं है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं ये जो सेल है 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहने वाली है। तो आपको अगर इसके बीच में आप लैपटॉप लेते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप दोस्तों फ्लिपकार्ट से लैपटॉप परचेस करते हो तो यहां पर आपको SBI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में 10% का ऑफ मिलता है, तो इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। और अगर दोस्तों आप अमेज़ॉन से परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक सिटी कार्ड में और दोस्तों रुपए के सभी कार्ड्स में आपको 10% का ऑफ मिल रहा है, तो इसका भी आप जरूर इस्तेमाल करें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने पूरा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में लैपटॉप को कंपेयर कर लिया है, तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट डील हम लोग को मिल रही है वो मिल रही है हम लोग को फ्लिपकार्ट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से लैपटॉप आपको लेने चाहिए। दोस्तों नंबर वन पर जो ये लैपटॉप आता है आईबॉल के तरफ से, आईबॉल का कॉम बुक। यहाँ पर दोस्तों आपको पेंटियम क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है, 4 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की यहाँ पर EMMC स्टोरेज मिलती है, आप इसको SSD समझ सकते हो। विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर 14 इंच की इसकी डिस्प्ले है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वेट है वो सिर्फ 1.30 kg। तो दोस्तों अगर आप एक लाइट वेट लैपटॉप चाहते हो, ईमेल एक्सेस करना चाहते हो, PDF वगैरह देखना चाहते हो, थोड़े बहुत आप वर्क करना चाहते हो, और एक बात बता दूं आप इसमें हार्ड डिस्क अलग से हार्ड डिस्क जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसमें हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये लैपटॉप अगर आप पोर्टेबल वगैरह आप बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। ये आता है दोस्तों असूस के तरफ से, असूस APU ड्यूअल कोर। दोस्तों यहाँ पर ड्यूअल कोर E1 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4 GB की रैम मिलेगी, 500 GB की हार्ड डिस्क मिलेगी, यहाँ पर भी आपको विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, 15.6 इंच की डिस्प्ले, मतलब एक आपको फुल साइज डिस्प्ले मिल रही है, 2 kg का वेट है। ये भी लैपटॉप दोस्तों ज्यादा हैवी नहीं है। अगर आपको एक फुल साइज लैपटॉप चाहिए, आपको मूवीज देखनी है, प्रेजेंटेशन बनाने है और इस तरीके के अगर आपको काम करने हैं तो आप ये लैपटॉप असूस की तरफ से ले सकते हो, जहां पर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा और इसमें आपको DVD राइटर भी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों आता है HP की तरफ से, HP का 14Q। यहाँ पर आपको ड्यूअल कोर A4 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि पहले के लैपटॉप से ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर आपको 4 GB की रैम, 256 GB की SSD देखने को मिलेगी, विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो थिन लैपटॉप है और लाइट वेट लैपटॉप है और 14 इंच की डिस्प्ले है, मतलब ये भी अगर आप पोर्टेबल वगैरह आप बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये HP का ब्रांडेड लैपटॉप बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा बैटरी बैकअप देगा। यहाँ पर इसका जो है 1.47 kg का है सिर्फ। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सभी लैपटॉप की, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है एसर की तरफ से, एसर Aspire 3। यहाँ पर आपको दोस्तों प्रोसेसर देखने को मिलता है पेंटियम ड्यूअल कोर, 4 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही है, विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 15.6 इंच की डिस्प्ले और यहाँ पर भी लगभग जो इसका वजन है 2 किलो के आसपास है, 1.90 kg। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है और इस प्राइस में आपको 1 TB की स्टोरेज मिल रही है, 4 GB की रैम मिल रही है, तो अगर आपको ज़्यादा कुछ डेटा स्टोर करके रखना है तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों आता है अगेन HP की तरफ से, HP का 15Q APU ड्यूअल कोर A9 के साथ। ये जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों मैं बता दूं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर लैपटॉप तो बहुत सारे बिक रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लैपटॉप है जिनको सेल में ऊपर ला दिया जाता है ताकि आप परचेस करें, लेकिन उनमें डिस्काउंट नहीं मिलता है और वो लैपटॉप उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं रहते। तो जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और अच्छे लैपटॉप है, इसमें भी आप देख सकते हो 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। A9 का प्रोसेसर है, 4 GB 1 TB विंडोज 10, 15.6 इंच की डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको 2.18 kg का इसका वेट मिलेगा। तो थोड़े से अगर आपको हैवी टास्क करने हैं तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। अगले दोस्तों लैपटॉप आता है एसर की तरफ से, एसर Aspire 3। यहाँ पर आपको Ryzen 3 का प्रोसेसर मिलता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो i3 के साथ और i3 से भी अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको देता है। Ryzen 3 का ड्यूअल कोर प्रोसेसर मिल रहा है, 4 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, विंडोज 10 मिलता है, 1.9 kg का वेट है इसका। आप कलर देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर है और लुक वाइज ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये में अगर कोई लैपटॉप लेना हो तो इससे ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी डील कोई नहीं हो सकती, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की। ये आता है दोस्तों HP की तरफ से, 14Q APU ड्यूअल कोर A9 का प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम, 256GB की SSD मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हार्ड डिस्क की प्लेस पर आपको SSD मिल रही है, मतलब कि जो यहाँ पर काम होगा आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और विंडोज़ 10 आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 14 इंच की डिस्प्ले, 1.47 kg का वेट है। तो अगर आपको SSD चाहिए, थोड़ा स्पीड काम करना है, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों लाइफ डिजिटल की तरफ से आता है कोर i3 फिफ्थ जनरेशन वाला, 4GB रैम, 1TB RDX, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, बाद में आप इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो इंस्टॉल कर सकते हो। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है और 2.1 kg का इसका वेट है। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि 20,000 में आपको कोर i3 सिर्फ इसी लैपटॉप में मिलता है। और एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और रिव्यू भी आप देख सकते हो अच्छी है, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये लैपटॉप भी आप परचेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों आता है एसर एस्पायर 3 राइजन 5 प्रोसेसर आपको मिल रहा है दोस्तों, क्वाड कोर प्रोसेसर है ये, सिर्फ और सिर्फ 26,990 रुपये में। तो अगर आपका इतना बजट है, 25,000 के आसपास आप लेना चाहते हो, तो ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल डेज में इसकी जो प्राइस रहती है 32-33 रहती है, यहाँ पर आपको 6-7 हज़ार का डिस्काउंट ईजिली मिल रहा है। 4GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, विंडोज 10, आप इसमें मूवीज देख सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो, हैवी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो को रन कर सकते हो, ऐसे सारे काम आप इस लैपटॉप में कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लैपटॉप रहने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। अगर आपको कोर i3 की लेटेस्ट जनरेशन 7th जनरेशन वाला चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। वैसे लेटेस्ट अभी 8 है, लेकिन यहाँ पर आपको i3 7th जनरेशन मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 8GB की रैम मिलेगी, 1TB की हार्ड डिस्क मिलेगी, और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। नॉर्मल डेज में दोस्तों यही प्राइस रहती है, लेकिन हम लोग को 4GB रैम मिलती है, यहाँ पर अभी आपको 8GB मिल रही है सेम प्राइस में, और भी यहाँ पर 1-2 हज़ार रुपये कमी है, तो इसको आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको एक स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए, कम बेजल लेस, जैसे कि आजकल मोबाइल आती हैं बेजल लेस डिस्प्ले के साथ, वैसे ही देख सकते हो आप, ये आसूस का जो लैपटॉप है लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बेजल लेस है, स्लिम है, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। 14 इंच का है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, और एक चीज़ यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल रही है, जो कि आपको इस प्राइस में और कहीं भी नहीं मिलेगी। लाइट वेट लैपटॉप है, पोर्टेबल है, 14 इंच की डिस्प्ले है, i3 7th जनरेशन, 4GB की रैम, और यहाँ पर आपको मिलती है 256GB की SSD विंडोज 10 के साथ। तो इसकी भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप आता है डेल की तरफ से, डेल वॉस्ट्रो। अगर आपको दोस्तों कोर i5 प्रोसेसर चाहिए, तो 35,000 रुपये में ये बहुत अच्छी डील है, 35,000 में मil रहा है आपको i5 8th जनरेशन, 8GB रैम, 1TB। दोस्तों अगर आपको हैवी टास्क करने हैं, i3 में आप थोड़े लाइट काम कर सकते हो, ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर सकते हो, आपको और ज़्यादा हैवी काम करने हैं, स्पीड अच्छी चाहिए, तो आप ये लैपटॉप परचेस कर सकते हो। कोडिंग के लिए अगेन ये अच्छा रहेगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आगे मैं आपको ग्राफिक कार्ड वाले भी लैपटॉप दिखाता हूँ। नेक्स्ट लैपटॉप जो दोस्तों आता है असूस की तरफ से आता है, यहाँ पर आपको i5 8th जनरेशन मिलता है, 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, विंडोज 10, 2GB का ग्राफिक। तो आपको वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करनी हो, इस तरीके के कुछ काम करने, कोडिंग करनी है, तो आपको ग्राफिक की जरूरत रहती है, तो यहाँ पर आपको ग्राफिक मिल रहा है, तो ये भी आप ले सकते हो। प्राइस दोस्तों 39,000 अच्छी है, तो ये भी आप लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों ये लैपटॉप आता है अगेन आसूस के वीवो बुक के तरफ से, जो मैंने आपको पहले दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है कोर i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर आता है, 8GB की रैम, 512GB की, 512GB की आपको SSD मिलती है। लाइट वेट लैपटॉप है, अगेन यहाँ पर सेम आपको बहुत अच्छा लुक मिलता है, अगर मैकबुक वगैरह जैसे आप पसंद करते हो, तो ये वैसे ही आपको परफॉर्मेंस देने वाला है कम प्राइस में। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। दोस्तों यहाँ पर आता है एसर का नाइट्रो 5। नॉर्मल डेज में दोस्तों जो इसकी प्राइस रहती है 55,000 के आसपास रहती है, यहाँ पर आपको i5 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम, 1TB की हार्ड डिस्क, विंडोज 10, और यहाँ पर आपको 4GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर आपको सिर्फ i5 का 9th जनरेशन मिल जाएगा, और ग्राफिक्स जो है कम कर दिया गया है, ये आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट में। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये परचेस मत करो, अगर आपको लेना ही है, दोनों की प्राइस सेम है, तो ये वाला आप अमेजोन से परचेस करो। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। अगर आपको डेल में लेना हो गेमिंग लैपटॉप, तो ये ले सकते हो आप, लेकिन ग्राफिक कार्ड जो है 2GB का है। बात करते हैं अगले लैपटॉप की और हमारे लास्ट लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों आज एसर का प्रीडिएटर हेलियोस 300 बहुत अच्छा गेमिंग लैपटॉप है, i5 8th जनरेशन, 8GB रैम, 1TB
128 GB की SSD मिलती है, 4 GB का दोस्तों डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, गेमिंग बहुत अच्छी होगी, वीडियो एडिटिंग कोडिंग सब हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। कोई भी लैपटॉप लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।